क्या चाहते हैं सरकार से, कुछ सरकार इसमें कुछ बंदोबस्त में कुछ अच्छा करे। बहुत दिक्कत है, परेशानी उठाए हैं हम लोग, बहुत दिक्कत है। तो आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन में क्या फेर बदल किया जाए जिससे कि भक्तों को कम असुविधा हो? बाबा धाम लेकर लाइन कर दिया जाए। क्या लाइन सेवा जो शिप की सेवा है, जो लॉन्च की सेवा है, उसमें बेहतर किया जाए उसको, ताकि भक्तों को इंतजार ना करना पड़े। शौचालय बहुत गंदा रहता है, शौचालय का भी उद्धार किया जाए। महिलाओं को खासकर बहुत परेशानी हो रही है। और भक्तों को क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर गंगा सागर में? कोई असुविधा हो रही है? प्रशासन से कोई मांग है जो कि अच्छा किया जाए जिससे कि कम असुविधा हो? क्या चाहते हैं आप? बहुत कुछ करना होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर ऐसी चीज है कि भक्तों को आना बहुत जरूरी है और भक्त आते हैं, अब परेशानी होता है तो भक्त थोड़ा सा लगता है ना कि नहीं सुविधा मिलनी चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए। समय मैं हूँ गंगा सागर में और यहाँ पर कपिल मुनि के दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई है। और ये महिलाएं सुबह सुबह गंगा स्नान करके कपिल मुनि के दर्शन के लिए पूजा की थाली तैयार करे खड़ी हैं और बहुत ही लंबी लाइन है। आप कहाँ से आए हो बहन? आप पटना से आए हैं? कब आए थे? परसों आए थे। तो परसों से गंगा सागर में ही है तो, और कब जाने वाले हैं कलकत्ता वापस? आज वापस जाने वाले हैं। तो आपको कैसा लग रहा है गंगा सागर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत भीड़ है तो उससे कुछ असुविधा हो रही है? फिर भी मजा आ रहा है। तो लाइन सिस्टम हो जाएगा ना मैडम? बहुत आदमी को राहत मिलेगा। लाइन सिस्टम नहीं रहता, दूसरे पर एक आदमी अधिक हो जाता है, एक बड़े आदमी चढ़ता है उसी में गिरने का डर लगता है, मछली का डर लगता है। तो सबसे बड़ी जो असुविधा हो रही है वो इनको लॉन्च की हो रही है। जो शिप यहाँ से जाता है उसकी असुविधा को अगर दूर कर दिया जाए तो भक्तों को बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। तो प्रशासन को इस बात को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1-2 लाख नहीं, करीब करीब 5-10 लाख लोग के करीब यहाँ पर आए हैं, भक्त आए हैं। और भक्तों की भक्ति में कोई असुविधा ना हो उनको, इसके लिए प्रशासन को कुछ ना कुछ करना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत कुछ करना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।